अर्णब गोस्वामी के लीक चैट्स को लेकर किया कंगना रनौत ने रिएक्ट। चैट्स में अर्णब ने कंगना और ऋतिक के रिश्ते के बारे में भी की थी बात। आखिर क्या कहना है कंगना का, आइए जानते हैं। कंगना रनौत आजकल लाइमलाइट में छाई हुई है। ऐसे में कंगना के अलावा कोई और अगर लाइमलाइट में है तो वो है अर्णब गोस्वामी। उनके लीक्ड चैट्स ने हंगामा मचा दिया था। इन चैट्स में अर्णब ने कंगना को काफी कुछ भला बुरा कहा था। साथ ही कंगना और ऋतिक के रिश्ते को लेकर भी काफी कुछ कहा गया था इस चैट में। और अब कंगना रनौत ने न्यूज एंकर अर्णब गोस्वामी की लीक व्हाट्सएप चैट में खुद को मानसिक तौर पर बीमार बताए जाने को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। यही नहीं, लीक चैट के मुताबिक अर्णब गोस्वामी ने ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर भी टिप्पणी की थी। एक महिला ने कंगना रनौत से ये पूछा था कि आखिर अर्णब गोस्वामी को लेकर वो चुप क्यों है। इसके जवाब में कंगना रनौत ने ट्वीट किया, रोहिणी जी, बड़े लोग छोटी बातें नहीं करते, मगर छोटे लोगों को तो सिर्फ छोटी बातें ही अच्छी लगती है। चलिए तो कुछ चुगली करते हैं। अर्णब जी ने वो कहा है जो ऋतिक रोशन ने उन्हें कहा। मैं पहली बार उन्हें 2019 में मिली। वो ऋतिक के साथ किए गए 2017 के उस इंटरव्यू के लिए शर्मिंदा थे, समझे। इसके आगे कंगना रनौत ने एक और ट्वीट में लिखा, कुछ और चुगली चाहिए, ऋतिक ने ऐसा क्यों कहा, कब संबंध बिगड़े, अर्णब ऋतिक का मित्र था, फिर कैसे मुझसे दोस्ती हुई, वगैरह वगैरह। ये सब लिबरू चुगलीखोर मासियों ने सारे देश का माहौल खराब किया है। चोरी चोरी मुरब्बा खाते हुए सबके चैट्स और मेल देखना बंद करो। यही नहीं, महिला पर हमला बोलते हुए कंगना रनौत ने लिखा, आज तक किसी के भी प्राइवेट चैट्स, लेटर्स, मेल्स, पिक्चर्स, वीडियोस लीक हुए हो, मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई, मैंने आँख उठा के भी देखा हो, चाहे कोई भी हो, हिम्मत ही नहीं हो पाई। संस्कारों की बात है, चरित्र की बात है, आत्मसम्मान की बात है, लिब्रू नहीं समझेंगे। याद दिला दे कि एक बार कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि वो ऋतिक रोशन के साथ रिलेशनशिप में थी। कंगना रनौत के इस दावे को ऋतिक रोशन ने खारिज कर दिया था। यही नहीं, ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को इस दावे को लेकर लीगल नोटिस भी भेजा था। यही नहीं, दोनों के बीच ये विवाद काफी लंबा चला था। ऋतिक रोशन का कहना था कि कंगना रनौत के साथ उनका रिलेशन पूरी तरह से प्रोफेशनल ही था, लेकिन एक्ट्रेस ने उन्हें एक तरफा ही बहुत से ईमेल भेजे थे और उनका उत्पीड़न किया था। और अब अर्णब का ये लीक्ड चैट्स। फिलहाल आपका क्या कहना है अर्णब के इस चैट्स के बारे में और इस पर कंगना के इस रिएक्शन के बारे में भी? आपकी राय हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.